This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए यानी कि कक्षा टेंथ के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हैं। और आप सभी लोग ये जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना होता है, और आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए आपको उन सभी के आंसर्स एक्टिविटीज पर क्लिक करके पोल सेक्शन में जाकर के जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है वो ऑप्शन दबाइए। जब यहाँ पर आप ऑप्शन को दबाओगे तो ये वोट नीले कलर का हो जाएगा, जब आप इसको दबा दोगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा वोटेड, और जब आप समझे यहाँ पे वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम टेंथ क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर, एक सेकंड रुकिए बच्चे, शायद स्क्रीन पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, टेंथ क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट यहाँ पर हम इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और बच्चे पढ़ते हुए हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, आप जानते हो कि लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ते हुए बच्चे यहाँ पर आ गए थे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने थोड़ा स्लो चल रहा है अभी, शायद आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि स्क्रीन चेंज होने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, ये थोड़ा सा ना टेक्निकल इशू हो जाता है। पूनम रानी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे आज थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है जिसकी वजह से आपको स्क्रीन दिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत तेज पढ़ेंगे, धीरे धीरे आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए लास्ट क्लास के अंदर हमने स्क्वायर्स कम्प्लीट कर लिए थे यानी कि वर्ग कम्प्लीट कर लिए थे, और हमने स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल के बारे में सीख लिया था। बताइए इतना सीख लिया था ना भाई, स्क्वायर यानी कि वर्ग क्या होता है। आपसे कोई पूछे बताइए पांच का वर्ग कितना होगा, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर पांच का वर्ग पूछा गया है, तो पांच के वर्ग का मतलब होता है सर पांच की घात दो, और सर इसका मतलब होता है पांच की गुणा पांच में कर देना, और ये कितना हो गया हमारे पास में 25। और आप लोगों को एक से लेकर 25 तक के वर्ग याद करने के लिए भी दिए थे। ठीक है, और शिवानी ने लास्ट क्लास के अंदर याद करके हमें सुनाए भी थे जब हमने एक एक बच्चे के माइक ओपन करके सुने थे, याद आप सभी को। ठीक है, चलिए ये तो हो गया वर्ग के बारे में। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे बताइए सात का वर्ग कितना होगा, आप क्या कहोगे सात का वर्ग कितना होगा, आपने कहा सर सात का वर्ग होगा सात की घात दो, और सर इसका मतलब होता है सात गुणा सात, और हमारे पास में सात का वर्ग हो जाएगा 49। और लास्ट क्लास में हमने वर्गमूल के बारे में सीखा था, क्या किसी बच्चे को याद है कि हमने वर्गमूल के बारे में कैसे सीखा था, बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कि 36 का वर्गमूल बताइए कितना होगा, तो बच्चे आपको पता है कि आपने कैसे सीखा था, एक बार कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके बताइए। शिवानी आप बताइए बच्चे, क्या आपको याद है कि हमने लास्ट क्लास के अंदर कैसे सीखा था वर्गमूल निकालना? सर 36 का वर्गमूल 6 होगा। हाँ, 36 का वर्गमूल तो 6 आ जाएगा, पर हम निकालते कैसे हैं? आप कहोगे सर 36 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 36 के सर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सर 2 से काटा 18 आ गया, सर 2 से काटा 9 आ गया, सर 3 से काटा 3 आ गया, और फिर से हमने इसको 3 से काटा तो बच्चे कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि आप कहोगे सर वर्गमूल 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 36 की जगह हमने इसको लिख दिया 2 × 2 × 3 × 3, लिख सकते हैं बच्चे? नहीं लिख सकते हैं। आप कहोगे सर 36 को हमने लिख दिया 2 × 2 × 3 × 3, और आपने सर ये बताया था कि अगर वर्गमूल के अंदर यानी कि रूट के अंदर अगर पेयर बन जाता है तो उसमें से हम एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। सर एक तो 2 बाहर आ गया और एक 3 बाहर आ गया, तो सर हमारे पास में कितना आ गया 6 आ गया, यानी कि रूट 36 का मान कितना हो गया हमारे पास में 6 आ गया। क्या इतना क्लियर है आप सभी को? लास्ट क्लास के अंदर हमने सारी चीजें सीखी थी कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे और उनको लिख देंगे। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, जैसे कि लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ा था भाई, लास्ट क्लास में हमने एक चीज और याद की थी, बच्चे आपसे पूछा गया था ना कि बताइए 1024 का वर्गमूल कितना होगा, याद है आप सभी को? ये नहीं है याद, बताइए क्या आप सभी को याद है कि आपसे 1024 का वर्गमूल पूछा गया था लास्ट क्लास के अंदर? फिर आपने 1024 के क्या किए थे बच्चे, आपने 1024 के अभाज्य गुणनखंड किए थे, याद है आप सभी को? भाई यहाँ पर कितना आ गया था, आप कहोगे सर यहाँ पे 2 10 बार आया था, कितनी बार आया था 2 10 बार आया था, तो आपने उसको इस तरीके से कुछ लिख दिया था कि सर 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये कितने हो गए हमारे पास में 5 6 7 8 9 10, याद है आप सभी को? फिर आपने कहा सर 1024 का वर्गमूल निकालना है, तो सर एक तो हमारे पास में ये आ गया पेयर, जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ गया, सर फिर से जोड़ा बन गया तो एक और 2 बाहर आ गया,
सर फिर से जोड़ा बन गया तो एक और दो बाहर आ गया, और सर फिर से जोड़ा बन गया तो एक और दो बाहर आ गया, और सर फिर से जोड़ा बन गया तो हमारे पास में सर एक और दो बाहर आ गया। तो आप कहोगे कि सर रूट 1024 का मान कितना हो गया, 1024 का मान हो गया हमारे पास में भाई 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 दुनी 32। बताइए क्या आप सभी को याद है, बोलिए एक बार बच्चे क्या आप सभी को याद है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने ये भी चीज पढ़ी थी। ठीक है यस सर। चलिए हम एक बार और रिवाइज करा देते हैं, एक बार और रिवाइज करा देते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए, सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर करेंगे रूट 72, रूट 72 सभी बच्चे बताएंगे कि रूट 72 का मान कितना आएगा। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर करेंगे और जल्दी से जैसे ही हो जाएगा आप अपना कैमरा ऑन करेंगे कॉपी की तरफ। बच्चे जल्दी से, लास्ट क्लास में हमने सीखा था और अब आपको निकालना है रूट 22 का मान कितना, सॉरी रूट 72 का मान कितना आएगा। भाई हुआ किसी का, शिवानी आपका हुआ बच्चे? हाँ कर रहे हैं। जिसका भी हो जाए वो बच्चा अपना कैमरा ऑन करेगा कॉपी की तरफ और जल्दी से कॉपी दिखाएगा कि सर मैंने तो रूट 72 का ये मान निकाला है। सानिया आपका हुआ बच्चे? ठीक है अमित के नाम से बच्चे ने कर लिया है, दिखाई बच्चे अमित के नाम से। ठीक है एक बार अपना कैमरा बैक कैमरा ऑन कीजिए बच्चे। हाँ बिल्कुल ठीक आपने कहा सर, 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ गया, सर 3 का जोड़ा बन गया तो 3 बाहर आ गया। आप 2 गुणा 3 को बच्चे जानते हैं, 2 गुणा 3 कितना होता है, 6 आता है, और रूट के अंदर ऐसे ही लिखा रहेगा रूट 2। ठीक है बच्चे अमित आपने बिल्कुल ठीक किया, के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की बस आप 2 गुना 3 को यानी कि 6 लिख सकते हो। चलिए बाकी किसी और बच्चे ने किया, देखो ये भी आप ही के साथ पढ़ते हैं और लास्ट क्लास में ही इन्होंने सीखा है। जब ये बच्चे सीख सकते हैं तो आप सभी भी सीख सकते हो, यानी कि आप सभी को अगर टाइम दिया जाता है तो आप उसका इस्तेमाल क्या करो, आपको टाइम दिया गया था सोल्व करने के लिए तो आप उसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए जल्दी से 72 के और फिर पेयर बना के बाहर निकालिए। बस भाई इन्हीं इस बच्चे ने क्या नाम है, जिस बच्चे ने अमित के नाम से क्लास ज्वाइन किया इन्होंने भी तो लास्ट क्लास के अंदर ही सीखा है। ठीक है शिवानी ये अभाज्य गुणनखंड ठीक है, बाकी आपने क्या किया है? ठीक है शिवानी आपने ठीक है बच्चे ठीक है बिल्कुल ठीक आपने लिखा है, बट आपने जहाँ 2 गुणा 3 गुणा 2 लिखा है और उसके नीचे आपने एक करली लाइन बनाई है बच्चे, उसमें 2 गुणा 3 तो ठीक है बट 2 नहीं आएगा लास्ट में, क्योंकि वो 2 पेयर में नहीं है, और जो चीज पेयर में उसमें से एक बाहर निकालना है, जो पेयर में नहीं है वो रूट के अंदर ऐसे लिख देना है जैसे कि आपने फाइनल आंसर लिखा हुआ है। ठीक है चलिए खुशबू आपका हुआ ओके बच्चे, सर। खुशबू आपका हुआ। अच्छा पूनम रानी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया बच्चे आपने किया? सानिया आपका हुआ बच्चे? देखिए आपको पता है कि आपको टाइम दिया जाता है, देखो सवाल सॉल्व करने के लिए टाइम दिया गया, शिवानी ने भी किया और अमित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उन्होंने भी किया, इतनी देर में आप सभी लोग कर सकते थे, हमें इतनी देर जब भी रुकना पड़ता है जब भी रुकना पड़ता है कि जब तक आप लोग कर नहीं लेते जब तक हम रुके ही रहते हैं। अब आप हमें जल्दी से माइक ओपन करके बताइए सानिया और पूनम रानी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया बच्चे आपने किया या नहीं किया, अभी बोलिए एक बार। ठीक है अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, चलिए इसे बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अगर आपसे पूछा जाता है कि रूट 72 का मान बताइए कितना होगा तो आपको करना क्या है बच्चे, आपको होगा सर 72 के सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जब आपने 72 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 से काटा कितना आ गया बच्चे, 36 आ गया, 2 से काटा तो बच्चे कितना आ गया, 18 आ गया, 2 से काटा तो बच्चे कितना आ गया, 9 आ गया, फिर आपने इसको 3 से काटा तो बच्चे कितना आ गया, 3 आ गया, और 3 से काटा तो बच्चे कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि आप रूट 72 को लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो आप रूट 72 को, सर रूट 72 का जो मान है वो हमारे पास में कितना है,
सर 72 को हम ऐसे लिख सकते हैं कितना, 2 × 2 × 2, यानी कि सर 3 बार तो 2 आ गया, 1, 2, 3, और उसके बाद में सर 2 बार 3 आ गया, 3 × 3, ठीक है। अब आप इसका रूट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आपने कहा सर ये जोड़ा बन गया, इसमें से 2 बाहर आ गया, गुणा सर ये जोड़ा बन गया 3 का, तो इसमें से 1 3 बाहर आ गया, और सर अभी हमारे पास में कौन बच गया है, आप कहोगे सर ये 2 ऐसी बच गया है, तो जो बच गया है उसको आप ऐसे ही रूट के अंदर लिख दो, तो ये कितना हो गया हमारे पास में, आप कहोगे सर ये हमारे पास में हो गया भाई 2 × 3 कितना होता है, 6√2। क्या इतना आप सभी को क्लियर है? देखिए अगर आप सभी को क्लियर है तो चैट सेक्शन में वाई टाइप कीजिए, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछे बच्चे की कहाँ पर डाउट है आपको। जल्दी से, सिर्फ 2 ही बच्चों ने वाई टाइप किया है, शिवानी ने और सानिया ने, इसके अलावा किसी बच्चे ने वाई टाइप नहीं किया है, ठीक है। अंकित के नाम से बच्चे ने टाइप कर दिया है। देखो अगर आपको समझ में आ गया तो कम से कम बताओ तो सही कि आपको समझ में आ गया है, या फिर नहीं आया तो आप वो भी बताओ एन टाइप करके कि सर नहीं समझ में आया, फिर से समझाया जाए। सिर्फ 3 ही बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स किया है, बाकी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर ये भी नहीं बता रहे कि उनको समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने में दिक्कत हो रही है, एक बार माइक ओपन कीजिए बच्चे, पूनम रानी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बताइए क्या अभाज्य गुणनखंड करने में दिक्कत हो रही है बच्चे? सर ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड हम एक बार फिर से बता देते हैं जल्दी जल्दी, आप सभी लोग ध्यान से सुनना। देखिए जैसे कि यहाँ 72 के अभाज्य गुणनखंड करने थे, मान लो जरूरी थोड़ी है कि 72 के ही करने हो, हर बार नंबर बदल कर आएगा, मान लो कोई भी संख्या आ जाए, मान लेते हैं आपके पास में 74 आ गया, भाई आपको 74 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, करने के नहीं करने बच्चे, तो आप इसके अंदर क्या करोगे, अब आप इसके अंदर क्या करोगे, आपने कहा सर अभाज्य संख्याएं सबसे पहले सीखनी पड़ेंगी कौन कौन सी होती है, आपने कहा सर सबसे पहले अभाज्य संख्या होती है हमारे पास में 2 2 होती है, भाई 2 के बाद में कौन सी होती है, 3 होती है, 3 के बाद में कौन सी होती है, 5 होती है, 5 के बाद में कौन सी होती है, 7। आपको एक बार अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स पढ़ाए गए थे, और वो इसीलिए पढ़ाए गए थे कि जब आप अभाज्य गुणनखंड करें तो आप इन्हीं संख्याओं का इस्तेमाल करें, सिर्फ इन्हीं संख्याओं का। भाई ये तो हो गए 2 1 से लेकर 10 तक के बीच में, फिर तो आपको सर 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है, ये किसके बीच में होती है बच्चे हमारे पास में, ये होती है हमारे पास में 1 11 से लेकर 20 तक के बीच में, जो ऐसी संख्याएं होती है जो सिर्फ अपने आप से या एक से कटते हुए अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर आपको कोई भी संख्या दे दी जाए, मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई भी संख्या दे दी जाए, भाई मान लेते हैं 63 दे दिया जाए, और आपसे कहा जाए इसका अभाज्य गुणनखंड करो, तो आप क्या करोगे, आपने कहा क्या सर 2 से कटता है 63, आप कहोगे सर 2 से वही संख्याएं कटती है जिनके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आते हैं, भाई वही तो संख्याएं 2 से कटती है, इसके लास्ट में तो 3 है तो नहीं कटेगा 2 से, फिर आप क्या करोगे, अब आप 3 के पास में जाओगे कि क्या ये 3 से कटती है, आप कहोगे हाँ सर ये 3 से कट जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3। अब बच्चे 21 भी 3 से नहीं कटेगा, सॉरी 2 से नहीं कटेगा, फिर आपने 3 से देखा कि 21 कटता है, आपको भी सर कटता है, 3 7 21। अब आपको 7 के पास में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको पता है 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता, 5 के पहाड़े में नहीं आता, तो अब ये 7 के पहाड़े में आएगा, तो अब आपके पास में 63 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3 × 3 × 7, ये 63 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्लियर हो आप सभी को? सबसे पहले आपको 2 से देखना है कि संख्या कट रही है नहीं कट रही है, फिर आपको 3 से देखना है संख्या कट रही है नहीं कट रही है, फिर आपको 5 से देखना है कि संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। अब आप देखो 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं, आप कहोगे सर जिन संख्याओं के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है, सिर्फ वही संख्याएं 2 से कटती हैं, जैसे कि हमारे पास में 1024 आ गया, क्या ये 2 से कटेगा, आप कहोगे सर इस संख्या के लास्ट में 4 है और ये संख्या 2 से कट जाएगी। अगर मान लीजिए हमारे पास में 7 7 8 आ गया, क्या ये संख्या 2 से कटेगी, आप कहोगे सर इसके लास्ट में कितना है, 8 है, और सर ये संख्या 2 से कट जाएगी। क्लियर हो सभी को कि कौन सी संख्याएं 2 से कटती हैं, जिनका इकाई का अंक यानी कि जिनके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 कुछ भी आ जाए वो संख्या 2 से कट जाती है। अब कौन सी संख्या जो 3 से कटती है, बताइए कैसे पता लगेगा कौन सी संख्या 3 से कटती है, मान लीजिए 63 को देख लो, कैसे पता लगेगा सर ये 3 से कटती है, आप एक काम करो 63 में आप इसके डिजिट्स को जोड़ दो, यानी कि आप इसके अंकों को जोड़ दो, जब अपने अंकों को जोड़ो तो कितना आ गया 9, अब 3 से कटता है ना 9, भाई आप कहोगे सर 3 3 9 कट जाता है, तो 63 भी कटेगा ही कटेगा, आप उसको भाग कर दो, यानी कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी।
जैसे कि अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर कैसे, एग्जांपल और बता दो भाई। अगर हम लिख दें 1035, अब बताओ ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। अब आप कहोगे सर इसके अंकों को जोड़ लेते हैं, भाई अंकों को जोड़ा तो 1 + 0 + 3 + 5 जोड़कर कितना आ गया, 5 × 3 = 8 रख लो भाई, 9 3 से कट जाता है, तो आप कहोगे सर 1035 भी 3 से कट जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, बताइए एक बार सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, यानी कि आपको यह पता लग गया कौन सी संख्या 2 से कटती है, कौन सी संख्या 3 से कटती है और कौन सी संख्या 5 से कटती है, बताओ भाई कौन सी संख्या ऐसी है जो 5 से कट जाती है। आप कहोगे सर अगर किसी संख्या के इकाई का अंक, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0 आ जाए या 5 आ जाए, यानी कि उसके लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए, वही संख्या 5 से कटती है। जैसे कि सर हमारे पास में लिखा हुआ है 235, क्या ये 5 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, कटेगा ही कटेगा। लेकिन पर क्या आप ये देखिए डायरेक्ट 5 से काट दोगे? आप डायरेक्ट 5 से नहीं काटोगे, आप पहले इसको 2 से चेक करोगे। आप कहोगे सर इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। भाई इसके अंकों का योग, आपने कहा सर 2 + 3 + 5 = 10 हो गया, सर 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता, यानी कि सर ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगी। अब आप इसे 5 से काटोगे, 5 × 20 और आप कहोगे सर 5 × 20 और 5 × 7 = 35। बताइए समझ में आ गया आपको? भाई आपने इसको 2 से भी नहीं काटा, 3 से नहीं काटा, 5 से क्यों काटा? क्योंकि इसमें लास्ट का अंक 5 है और आप जानते हो कि 5 से वही नंबर कटते हैं जिनके लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए बच्चे एक बार क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखो आप कहोगे सर 2 3 5 का ही जरूरी है क्या? अब देखो 7, अगर कोई संख्या 2 से नहीं कट रही, 3 से नहीं कट रही, 5 से नहीं कट रही, तो आप उसे 7 से देख लो कि वो संख्या 7 से कट रही है कि नहीं कट रही है, 11 से कट रही है कि नहीं कट रही है। बस इतनी बड़ी संख्या आपके सिलेबस में आएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी संख्या आएंगी, बस 2 3 5 इतना तो आपको बता दिया है। और 7 और 11 का नियम होता है, ऐसा नहीं है कि 7 और 11 का नियम नहीं होता, बट 7 और 11 के नियम से अच्छा है कि आप उनको पहले ही चेक करके देख लो कि 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, या फिर 11 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है बच्चे चलिए अब देखो अभाज्य गुणनखंड अगर हमसे पूछे जाए तो अच्छे अभाज्य गुणनखंड तो हमें ऐसे ही करने पड़ेंगे। बोलो क्लियर हुआ सभी को? भाई एक संख्या हम लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए, एक संख्या लिख दे रहे हैं 31 36। अब आप बताइए इसके अभाज्य गुणनखंड यानी कि इसका रूट पूछा गया है, बताओ इसका रूट कितना होगा? भाई इसका वर्गमूल निकालने के लिए आप क्या करोगे? आपने कहा सर इसका तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। भाई इसके लास्ट में कितना है? आप कहोगे सर इसके लास्ट में 6 है, ये संख्या 2 से कट जाएगी, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, तो 28 16 कट गई कि नहीं कट गई। फिर आपने कहा सर इसके लास्ट में 8 है, संख्या 2 से कट जाएगी, काटो 2 से, भाई 2 × 7 = 14, भाई 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8। इसके लास्ट में 4 है, संख्या 2 से कट जाएगी, जब आपने इसको 2 से काटा तो 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 2 × 18, भाई 2 × 18 = 2 × 4। फिर आपने कहा सर इसके लास्ट में 2 है, फिर से 2 से काट दो, भाई 2 × 1 = 2, फिर 1 × 9 सर 2 × 18 = 2 × 6 = 12। फिर आपने कहा सर इसके लास्ट में 6 है, संख्या 2 से कट जाएगी, 2 से काटा तो कितना आ गया, भाई 2 × 18 = 2 × 8 = 16। फिर आपने कहा सर ये 2 से कट जाएगी, 2 से काटा तो कितना आ गया, 2 × 8 और 2 × 18 आगे कि नहीं आ गया, बताइए। फिर आपने कहा सर ये 7 से कटेगी, क्योंकि अब ये 3 से नहीं कटेगी सर, 5 से नहीं कटेगी, अब ये सर 7 से कटेगी, 7 से काटा तो सर 70 70 49 और 7 से काटा तो सर 1 आ गया। यानी कि आप कहोगे सर रूट 31 36 यानी कि 3136 को हम कितना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद सर 7 आया 2 बार, 1 2। आपसे इसका रूट पूछा गया तो आप क्या करोगे, आपने कहा सर इसका तो जोड़ा बन गया, ये 2 बाहर आ गया गुणा, सर इसका जोड़ा बन गया फिर से 2 बाहर आ गया गुणा, सर इसका जोड़ा बन गया फिर से 2 बाहर आ गया गुणा, और सर इसका जोड़ा बन गया तो 7 बाहर आ गया। ठीक है, और आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे सर रूट 31 36 का जो मान होगा वो कितना आ गया, 2 × 4 4 × 8 8 × 7 = 56, कितना आ गया बच्चे मान, 56। बताइए क्या अब आप लोग को क्लियर है, बताइए क्या अब आप लोगों को क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है, अब हम आपसे पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोगों को वो सही करने होंगे। ठीक है बच्चे पूछ लें।
यस सर। ठीक है। देखिए अब आप लोगों के सामने थोड़ा सा बता देते हैं। अभी हमने वर्गमूल निकालना सीखा है कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो वर्गमूल के बारे में समझ भी लेते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। देखिए किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए रूट चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपसे पूछा जाए 25 का वर्गमूल निकालो, तो आपने 25 के ऊपर रूट लगा दिया, आपने 25 के ऊपर रूट लगा दिया। क्लियर है इतना? क्या इतना क्लियर हुआ आप सभी को? ठीक है बच्चे, भाई आपने क्या करा, 25 के ऊपर रूट लगा दिया। भाई किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है, अगर आपसे पूछा जाए 36 का वर्गमूल निकालो, तो आपने 36 के ऊपर ये निशान लगा दिया रूट का, ये 36 का वर्गमूल कहलाएगा। अब निकालने के बाद कितना आएगा? आपने कहा सर रूट 25 का मान कितना होगा? 5, और रूट सॉरी वर्गमूल 36 का मान कितना होगा बच्चे? 6 होगा। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। अब आप एक चीज और सीखिए। जैसे कि आपने कहा सर वर्ग 5 का वर्ग, बच्चे वर्ग का मतलब कितना होता है? आपने कहा सर 5 की घात 2, यही होता है ना 5 का वर्ग। भाई 5 के वर्ग का मतलब क्या होता है? आपने कहा सर वर्ग का मतलब होता है घात 2। इसी तरीके से किसी संख्या के वर्गमूल का मतलब कितना होता है? आपने कहा सर वर्गमूल 25, तो सर इसकी घात का मतलब होता है कि सर इसकी घात है 1/2। इसकी घात कितनी है? 1/2। याद कर लो सर ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, और सर इसका मतलब होता है कि सर घात कितनी है हमारे पास में? सर घात है 1/2। जैसे कि आपसे कोई कहे वर्गमूल 36 का मान बताओ, आपने कहा सर ऐसे लिखो वर्गमूल 36 को, चाहे सर ऐसे लिखो वर्गमूल 36 को बात एक ही है। क्लियर हुआ सभी को? बताइए क्या क्लियर हुआ सभी को? भाई वर्गमूल का मतलब क्लियर होना चाहिए सभी को, कि जो वर्गमूल का मतलब होता है उसका मतलब होता है सर संख्या की घात 1/2। संख्या की घात कितना बच्चे? 1/2। क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब आप कहोगे कि सर किसी संख्या का जो वर्गमूल है उसका मतलब तो होता है घात का 1/2 हो जाना। वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। कैसे? अब आप ये भी समझिए। देखिए अगर आपसे पूछा जाए बताइए 7 का वर्ग कितना होगा, आपने कहा सर 7 का वर्ग तो होगा हमारे पास में 49। लेकिन पर अगर आपसे कोई पूछे कि आप 49 के वर्गमूल का मान बताओ कितना होगा, तो आपने कहा सर 49 के वर्गमूल का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में? 7 हो जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा? 7। क्लियर हुआ सभी को? यानी कि वर्गमूल और वर्ग क्या एक दूसरे की विपरीत प्रक्रियाएं हैं। आपसे पूछा जाए कि 8 का वर्ग बताइए कितना होगा, आपने कहा सर 8 का वर्ग 64 होगा। लेकिन पर कोई आपसे पूछे कि बताइए 64 का वर्गमूल कितना होगा, तो आपने कहा सर 64 का वर्गमूल 8 होगा। बताइए क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना आना चाहिए, और आप सभी को आता है कि 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आप कहोगे सर कितनी बार करें, 36 का वर्गमूल निकालना है, आपने कहा सर 36 का वर्गमूल निकालना है, और कौन सी विधि से निकालना है? आप कहोगे सर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। आपने कहा सर 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सर 2 से काटा कितना आ गया? 18 आ गया, और 2 से काटा कितना आ गया? 9। सर 3 से काटा 3 आ गया, और सर 3 से काटा कितना आ गया? 1। यानी कि आप रूट 36 को लिख सकते हो बच्चे कितना? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और फिर आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर जो संख्याओं का जोड़ा बन गया उसमें से एक संख्या बाहर निकाल ली। सर इसका भी जोड़ा बन गया और इसमें से भी हमने क्या कर लिया, एक संख्या बाहर निकाल ली। तो सर √36 का मान कितना हो गया? आप कहोगे सर √36 का मान हो गया भाई 2 गुणा 3 कितना हो गया? आप कहोगे सर √36 का मान 6 हो गया। क्लियर हुआ सभी को? चलिए सर। हाँ, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे पोल सेक्शन के अंदर। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन के अंदर, तो आप लोगों से आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों का चैट सेक्शन तो बंद कर दिया जाएगा। भाई आप लोगों का चैट सेक्शन तो कर दिया गया है बंद, और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाएगा। आप लोगों का पोल सेक्शन कर दिया गया है बच्चे ऑन। चलिए अभी बच्चे इसको एक बार जल्दी से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद में अपना ऑप्शन जल्दी से चैट सेक्शन और पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए।
आपसे पूछा गया कि बताइए 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों के सामने पोल सेक्शन आ गया होगा, आप इसको सोल्व कीजिए। जरूरी नहीं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालो, अगर आपको 64 का वर्गमूल याद है तो आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो, और अगर याद नहीं है तो आप वर्गमूल निकाल कर आंसर कर सकते हो। देखते हैं अभी कितने बच्चों ने आंसर करना शुरू कर दिया है। सिर्फ अभी एक ही बच्चे ने आंसर निकाला है, बाकी बच्चे भी आंसर निकाले। बच्चे जल्दी से, सिर्फ दो बच्चों ने अभी तक आंसर निकाला है। भाई आपसे पूछा गया 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। या तो आप अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल निकाल लो, और अगर आपको याद है तो बच्चा आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। सिर्फ अभी तीन बच्चों ने भेजा है, अभी सात बच्चे बाकी रहते हैं। अभी सात बच्चे बाकी रहते हैं। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। अच्छा एक बार माइक ओपन करके बताओ, कर पा रहे हो ना आप सभी लोग? यस सर। ठीक है। आशवानी आपने कैसे किया बच्चे, आपको याद था या फिर आपने अभाज्य गुणनखंड किए? सर याद था, ठीक है और आप अभाज्य गुणनखंड भी करके देख लिए सर। ठीक है भाई, हम कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग डायरेक्ट लगा सकते हो, और अगर नहीं है तो आप अभाज्य गुणनखंड करके निकाल सकते हो। पर इतना टाइम तो बच्चे नहीं लगेगा अभाज्य गुणनखंड करने में भी कि जितना आप लोग लगा रहे हो। चलिए लास्ट 5 सेकंड है आप सभी लोगों के पास में, और अभी 6 बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। सभी बच्चों के पास में लास्ट 5 सेकंड्स हैं। 5, 4, 3, 2, 1। आप लोगों ने, काफी कम बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स किया है। हम एक एक बच्चे का नाम लेकर पूछेंगे, बताना कि आपने पोल सेक्शन के अंदर आंसर किया है कि नहीं किया है। सबसे पहले अमित के नाम से बच्चे बताइए, आपने आंसर किया कि नहीं किया? अमित के नाम से बताइए बच्चे, आपने आंसर किया कि नहीं किया पोल सेक्शन में? अंकित, हिमांशी, यस सर। आपने किया बच्चे? ठीक है। यस सर। जगबीर के नाम से, खुशबू, आपने क्या कि नहीं किया? रेणुका के नाम से, कोई यस सर। कोई फायदा नहीं है किसी से पूछने का, बच्चे बोल ही नहीं रहे हैं कि कितने बच्चों ने आंसर कर दिया है, कितनों ने नहीं किया है। बहुत कम बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये गलत बात है। यानी कि फिर तो ये वाली बात हो गई कि हम अपने आप को अकेले बैठ कर पढ़ा रहे हैं, ना तो हमें ये पता लग रहा है कि किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तक आप आंसर नहीं करोगे हमें कैसे पता लगेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया? भाई 50% बच्चे आंसर कर रहे हैं, यानी कि अगर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 5 ही बच्चे आंसर कर रहे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स है आप सभी के पास में, प्लीज आप लोग पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स क्या करो। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। एक भी बच्चा नहीं पढ़ा है 5 सेकंड में, ये टाइम भी खराब ही गया है। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो वो जल्दी से जा सकते हैं चैट सेक्शन में, और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से। ठीक है बच्चे, आपने तो पोल सेक्शन के अंदर भी आंसर कर दिया था शायद अमित के नाम से। बच्चे मतलब जो पोल सेक्शन में आंसर कर रहे हैं वही बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। अंकित आपके पास में पोल सेक्शन नहीं आता बच्चे, ये बताइए पहले। माइक ओपन कीजिए अंकित। और सानिया बच्चे आप भी बताओ, आपके पास में पोल सेक्शन आता है कि नहीं आता है? ठीक है चलिए, एक बार आपसे व्हाट्सएप पे ग्रुप पे पूछा जाएगा कितने बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है कि नहीं आता है। चलिए अब आप लोग सभी बच्चे सामने देखिए, एक सेकंड रुकिए बच्चे। हाँ सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया था 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
आपको क्या बता रहा है बच्चे, वर्गमूल याद करके बताना है कितना होगा। देखो अगर आप 8 का याद करोगे, भाई आपको 1 से लेकर 25 तक याद करने के लिए कहा था, आप बोलोगे सर 8 का वर्ग कितना होता है, आपने कहा सर 64 होता है, तो सर 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 का वर्गमूल 8। ये तो हो गया कि अगर आपको याद है तो आप ऐसे कर सकते हो, भाई अगर आपको 8 का वर्ग 64 याद है तो आप कहोगे सर 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया कि सर ऑप्शन तो सी से ही हो गए। ठीक है अंशुल शर्मा, ठीक है बच्चे, ठीक है। दूसरा क्या करना है बच्चे, आपको 64 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। आपने 64 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 से काटा कितना आ गया बच्चे, 32। फिर आपने 2 से काटा तो कितना आ गया बच्चे, 16। फिर आपने 2 से काटा तो कितना आ गया, 8। 2 से काटा तो कितना आ गया, 4। 2 से काटा तो कितना आ गया, 2। और 2 से काटा तो कितना आ गया, 1। यानी कि आप कहोगे सर रूट 64 का मान कितना हो गया, सर कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, सर 6 बार आया। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब आप क्या करोगे, जो जोड़े बन जाए, आपने कहा सर 1 जोड़ा तो ये बन गया, 2 बाहर आ गया, गुणा सर 1 जोड़ा ये बन गया, 2 बाहर आ गया, गुणा और सर 1 जोड़ा ये बन गया, 2 बाहर आ गया, बच्चे कितना हो गया हमारे पास में, 2 दुनी 4, 4 दुनी 8। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, बताइए क्या इतना क्लियर हुआ यस सभी को। हाँ अगर सभी को क्लियर था एक बार वाई टाइप करो जल्दी से, और अगर कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है जल्दी से, आप लोगों के सामने एक और सवाल है कि √576 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए कितना होगा, सॉरी 576 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए कितना होगा। चलिए हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, ठीक है बच्चे। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। देखो अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे बच्चे, इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे और तब करोगे। जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, ठीक है। एक बच्चे का आंसर आ गया है, अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे ने सोल्व किया है। शिवानी शायद आपने भेजा है आंसर, ठीक यस सर। है बच्चे। बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए जल्दी से। बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो बताइए बच्चे कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया इसको। भाई कितने बच्चे सोल्व कर पा रहे हैं, देखिए 4 बच्चों ने अभी तक पोल सेक्शन के अंदर आंसर भेजा है अपने। बताइए बच्चे, अच्छा 3 4 बच्चों ने हैंड राइज किया था, यानी कि उन्होंने कर लिया है, ठीक है समझ गए हम। ठीक है सानिया का हो गया, भाई 5 ही बच्चों ने सिर्फ पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है, ठीक है बच्चे। चलिए
जिन बच्चों के पास में फुल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। भाई आपसे पूछा गया था 576 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, आप क्या करोगे बच्चे? 576 का वर्गमूल पूछा गया आपसे कितना होगा। जब आपसे पूछा गया कि बताइए 576 का वर्गमूल कितना होगा, तो बच्चे आप क्या करोगे इसके अंदर? आप 576 के अभाज्य गुणनखंड करोगे। भाई आपने इसको 2 से काटा, कितना आ गया? 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। 2 से काटा कितना आ गया? 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। 2 से काटा कितना आ गया? 72। 2 से काटा बच्चे कितना आ गया? 36। 2 से काटा कितना आ गया बच्चे? 18। 2 से काटा कितना आ गया बच्चे? 9। 2 से काटा कितना आ गया? 3 से काटा कितना आ गया? 3। और 3 से काटा बच्चे कितना आ गया? 1। आप कहोगे कि सर रूट 576 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? रूट 576 को भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। थोड़ा नीचे लिख देते हैं हम इसको। भाई इसको कितना लिख सकते हैं? 6 बार तो आ गया हमारे पास में 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और उसके बाद 3 कितनी बार आया? आपको होगा सर 2 बार, 1, 2। भाई जो जो जोड़ा बन जाए उसको बाहर निकालो। आपने कहा सर एक जोड़ा तो ये बन गया, 2 गुणा। सर एक जोड़ा ये बन गया, 2 गुणा। एक जोड़ा ये बन गया, 2 गुणा। एक जोड़ा ये बन गया हमारे पास में 3। तो कितना आ गया बच्चे? 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 थी 24। कितना क्लियर है आप सभी को बच्चे, बताइए? यस सर। ठीक है, तो yes, आप कहोगे रूट 576 का मान कितना आ गया? आप कहोगे सर रूट 576 का मान कितना आ गया हमारे पास में? 24 आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को बच्चे, बताइए एक बार। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आप सभी लोग कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे क्यूब और क्यूब रूट के बारे में। देखो आपने अभी पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल। क्या पढ़ा था बच्चे आपने? वर्ग और वर्गमूल। आप जानते हैं सर वर्ग का मतलब होता है कितना? घात 2। घात 2 का मतलब क्या होता है? सर अगर कहीं लिखा है 5 की घात 2, तो आपने 5 को 2 बार गुणा कर दिया और कितना आ गया? 25। सर अगर घात 2 का मतलब क्या है? अगर कहीं लिखा है 7 की घात 2, तो हमने सर 7 को 2 बार गुणा कर दिया और आंसर कितना आ गया हमारे पास में? 49। क्लियर है? एक तो ये हो गया। सर वर्गमूल का मतलब कितना होता है? आपको हो गया सर वर्गमूल का मतलब होता है कि सर घात 1/2। वर्गमूल का मतलब कितना होता है? घात 1/2। सर वर्गमूल का एक चिन्ह का निशान होता है, सर ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। और सर अगर वर्गमूल के अंदर 25 लिखा हुआ है तो सर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आपने कहा सर हम 25 को ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 5, और सर हमारा आंसर क्या आ गया? जोड़े में से एक बाहर निकल जाएगा, कितना आ गया? 5। क्या इतना क्लियर है सभी को? भाई वर्ग और वर्गमूल क्लियर हुआ सभी को? ठीक है सभी बच्चों को क्लियर है ना? अब देखिए अब हम वर्ग से घन पर आ गए। आप समझिए घन और घनमूल का मतलब क्या होता है। अब आप समझिए कि घन और घनमूल का मतलब क्या होता है। चले आगे बच्चे, देखिए यदि किसी, देखो हमें डेफिनेशन से मतलब नहीं है, आप डेफिनेशन पढ़ना चाहे मत पढ़ना कोई बात नहीं। लिखा यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार और गुणा किया जाए तो वह उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे कि 5 का घन, बच्चे 5 का घन है कि 5 को 5 के साथ गुणा कर दो 2 बार और, 2 बार और, यानी कि सर 1 तो 5 था ही, आप इसको 2 बार और गुणा कर दो तो बन गया 5 का घन। या फिर आप कह सकते हो सर 5 का घन ऐसे याद रखो कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, या फिर सर इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 की घात 3। कितना लिख सकते हैं? 5 की घात 3। सर घन का मतलब होता है घात 3। घन का मतलब कितना होता है सर? घात 3। और इसका मान कितना आएगा? आपको सर 5 की घात 3 का मान आएगा 125। कितना आ जाएगा बच्चे? 125। कैसे आएगा वो अभी हम समझेंगे। अब आप कहोगे सर 8 का घन का मतलब क्या है? आप कहोगे सर 8 का घन का मतलब है 8 को 3 बार गुणा करना। सर हम इसे 8 की घात 3 भी लिख सकते हैं, और सर 8 को 3 बार गुणा करके कितना आएगा? आप कहोगे सर ये हमारे पास में आ जाएगा 8 और 2 64, और 64 अट्ठे कितना आ गया बच्चे हमारे पास में? 500। ठीक है बताइए, इतना क्लियर हो सभी को?
यस ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। घन का मतलब पता होना चाहिए सर, घन का मतलब क्या है? घात 3, यानी कि हम एक ही संख्या को 3 बार गुणा कर रहे हैं, और सर हमारा आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक और चीज लिखा हुआ है भाई, 3 का घन कितना होगा? भाई किसी संख्या के घन को उसकी घात 3 लिखकर दर्शाया जाता है। भाई 3 के घन को आप लिख सकते हो सर 3 की घात 3, 7 के घन को आप लिख सकते हो सर 7 की घात 3। अगर हम यहाँ पर लिख दें 8 का घन, तो आप इसे लिख सकते हैं सर 8 की घात 3। ठीक है, यानी कि किसी संख्या को घन को उसकी घात 3 लिखकर दर्शाया जाता है। अब आप कहोगे सर 3 की घात 3 का मान कितना हो गया? आप कहोगे सर 3 की घात 3 का मतलब है 3 को 3 बार गुणा करना। भाई 3 क्या 9 और 9 तिया 27। भाई 7 की घात 3 का मतलब क्या है? 7 को 3 बार गुणा करना, 7 तो 7 49 और 49 7 कितना हो गया बच्चे हमारे पास में? 343। सर अभी आपने बताया था सर 8 की घात 3 का मतलब है 8 को 3 बार गुणा करना, और सर 8 2 64 और 64 8 कितना जाएगा सर हमारे पास में? 512। क्या क्लियर हुआ सभी को, बताइए एक बार। यस सर ठीक है भाई, घात का मतलब समझ में आ गया। घात का मतलब होता है सर, घात का मतलब है सॉरी, घन का मतलब समझ में आ गया। आप कहोगे हाँ सर घन का मतलब समझ में आ गया, घन का मतलब है सर घात 3। ठीक है बच्चे, यस सर ठीक है। अब हम एक चीज और देखते हैं, चलिए सर बच्चे सामने देखेंगे आगे स्क्रीन पर। देखिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर किसी धनात्मक संख्या का घन, धनात्मक यानी कि जो संख्या पॉजिटिव होती है सर, उसका जो घन होता है वो भी धनात्मक होता है, और किसी ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक संख्या होती है। कैसे सर? मान लो 2 के घन पूछी जाए आपसे कितनी होगी, आपने सर 2 का घन का मतलब है 2 की घात 3, और 2 को सर 3 बार गुणा करना, 2 को कितनी बार गुणा करना? 3 बार गुणा करना, और सर ये आ गया 8। ठीक है बच्चे, लेकिन पर अगर आपने -2 ले लिया तो आप कहोगे सर -2 की घात 3, सर इसका मतलब है -2 को 3 बार गुणा करना। अब आप देखिए, जब आप कहोगे सर अगर यहां तक देखा जाए कि सर माइनस को माइनस के साथ गुणा किया तो सर प्लस आ गया, और 2 दूनी 4 आ गया, गुणा सर हमारे पास में बच रहा है ये वाला लास्ट में -2। बच रहा है कि नहीं बच रहा है बच्चे? ये आपने लिखा -2। अब आप कहोगे सर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 4 दूनी करेंगे तो सर कितना आ जाएगा? 8। यानी कि आप कहोगे सर -2 की घात 3 का मतलब कितना है? -8, और 2 की घात 3 का मतलब कितना है? 8। यानी कि आप एक चीज समझिए कि अगर हमारी संख्या धनात्मक यानी कि पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा घन का, और अगर हमारी संख्या नेगेटिव है माइनस के, तो सर हमारा आंसर भी माइनस में ही आएगा, आएगा वही जो 2 की घात 3 का होता है। क्लियर सभी को, बताइए। हाँ यस अगर आप सभी को क्लियर है तो हम लोग थोड़ा सा आगे चल सकते हैं। देखिए आप यहीं पर देखिए भाई, अगर आपसे पूछा जाए 5 की घात 3 कितना, आप कहोगे सर 5 की घात 3 होता है 5 गुणा 5 गुणा 5, और सर ये होता है 125। लेकिन पर अगर आपसे कोई पूछे बताओ -5 की घात 3 कितना, आप कहोगे सर ये आंसर आएगा माइनस में, लेकिन पर आएगा तो 5 की घात 3 के जितने कितना? 125। क्या इतना क्लियर हो सभी को? सर ठीक है, तो आपका पहले तो होमवर्क लिख लीजिए, वैसा वाला होमवर्क जो होता है जो हम आपको वैसे दे देते हैं, 1 से लेकर 10 तक के आपको क्या याद करने? घन याद करने हैं, याद कर लेने घन, वो अभी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप थोड़ा आगे चलते हैं, देखिए ये रहे, आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको 1 से लेकर 10 तक के ही घन याद करने हैं, 1 से लेकर 10 तक के ही घन आप लोगों को याद करने हैं। ठीक है, क्लियर है वो सभी को? चलिए, यस सर आपने एक संख्या के बारे में सीखा था, बताओ क्या आप जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? भाई आपने पूर्ण वर्ग या फिर वर्ग संख्या के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोलिए, यस सर पढ़ा था पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में, वर्ग संख्या के बारे में, जब हमने वर्ग के बारे में पढ़ा था घन के बारे में। भाई पूर्ण वर्ग क्या होता है? आप कहोगे सर क्या 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? आप कहोगे नहीं सर। क्या 6 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? आप कहोगे नहीं सर। लेकिन पर सर पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल है सर। सर 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल है सर। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि सर जो 4 होता है वो 2 का वर्ग होता है, जो 3 होता है सॉरी सर जो 9 होता है वो 3 का वर्ग होता है, सर 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 4 का वर्ग है। क्लियर हो सभी को? भाई 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 4 का वर्ग है। क्लियर है? यानी कि ऐसी यस सर संख्याएं जो किसी ना किसी संख्या का वर्ग होती है,
वो पूर्ण वर्ग कहलाती है। चाहिए बच्चे क्या कहलाती है, वो पूर्ण वर्ग कहलाती है। तो इसी तरीके से आपके पास में क्या है, आपके पास में पूर्ण घन संख्याएं, पूर्ण घन संख्याएं। जैसे कि अगर आप 125 को देखो, तो जब आप 125 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो बच्चे कितना आएगा, आपने कहा सर ये तो 5 है लास्ट में, 5 से कट जाएगा क्योंकि सर 2 से भी नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा। भाई पहले अभाज्य संख्या 2 है, 2 से नहीं कट रहा सर, दूसरी अभाज्य संख्या 3 है, 3 से नहीं कट रहा सर, तीसरी अभाज्य संख्या 5 है, 5 से कट जा रहा है, 5 से काटा 5 दूनी 10 25 सर, 5 से काटा 5, 5 से काटा 1। तो भाई आप 125 को कितना लिख सकते हो, 5 गुणा 5 गुणा 5, और सर ये 5 की घात 3 है, यानी कि ऐसी संख्या जो किसी संख्या का घन है वो आपकी पूर्ण वर्ग पूर्ण घन संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्ण घन। जैसा कि आपका 27 भी एक पूर्ण घन संख्या है क्योंकि ये 3 का घन है, तो आप कहोगे सर 27 भी एक पूर्ण घन संख्या है, लेकिन सर 75 किसी का भी घन नहीं है, क्योंकि जब आप 75 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपको कितना जाएगा, 3 से काटा सर 25 आ गया, 5 से काटा सर 5 आ गया, 5 से काटा 1 आ गया। सर हमारे पास में 75 में अभाज्य गुणनखंड में 3 संख्याएं एक जैसी नहीं आई, तो सर ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब हम आपसे सवाल पूछ लेते हैं। आप एक काम करना, सवाल तो ये वाले तो हम पूर्ण घन है या नहीं, ये तो हम आपसे लास्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्यों पूछेंगे, क्योंकि आप लोग याद करके आओगे 1 से लेकर 10 तक, तो आपको बताने में आसानी रहेगी कि पूर्ण घन संख्या है या नहीं। बताइए भाई, अगर मान लो आपको याद है कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं होती हैं, जैसे कि हम आपसे पूछे कि बताइए क्या 512 एक पूर्ण घन संख्या है, आपको अगर याद है कि हाँ सर 8 का घन 512 होता है, तो आप तुरंत कह दोगे कि हाँ सर 512 एक पूर्ण घन संख्या है। बताओ कह दोगे या नहीं कह दोगे? कह दोगे ना। इसी तरीके से आपको यहाँ पर कोई 400 नहीं दिखाई दे रहा, अगर हम पूछे बताइए 400 क्या एक पूर्ण घन संख्या है, बताइए क्या 400 एक पूर्ण घन संख्या है? आप कहोगे नहीं सर, सर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका घन करने पर 400 आ जाए, सर 343 के बाद में 512 आ रहा है, बीच की संख्या है तो है ही नहीं। तो आप कह दोगे सर 400 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। हाँ अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए क्या 216 एक पूर्ण घन संख्या है, तो आप बताओ क्या कहोगे, बताइए बोलिए क्या कहोगे आप? सर पूर्ण वर्ग संख्या है। हाँ वर्ग नहीं, पूर्ण घन संख्या। 6 का घन 216 होता है, तो आप कह दोगे सर ये एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अब देखिए हम आगे लोग, अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए हमने घन तो पढ़ लिया, घन का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर घन का मतलब होता है घात 3। घन का मतलब कितना होता है, घात 3। अब हम पढ़ेंगे घनमूल के बारे में। अब देखो घनमूल क्या होता है, अब आप एक चीज याद करिए, आपने अभी याद किया था एक चिन्ह के बारे में, याद किया था आपने एक चिन्ह के बारे में, बताओ ये चिन्ह किसका होता है, बताइए चिन्ह किसका होता है बच्चे? सर वर्गमूल। वर्गमूल का चिन्ह होता है। देखो वर्गमूल के चिन्ह पे यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता, अगर हमने यहाँ पे 3 लिख दिया छोटा सा 3, तो बताओ ये किसका चिन्ह बन गया, आप कहोगे सर ये चिन्ह बन गया घनमूल का। किसका बन गया बोलिए, किसका चिन्ह बन गया ये? घनमूल। मान लो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा ऐसे करके, ये बताइए चिन्ह किसका, ये वाला जिस पर राइट लगाया हमने? सर वर्गमूल। वर्गमूल का मान लेते हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, बताओ अब ये किसका चिन्ह बन गया? घनमूल का सर। किसका? घनमूल का सर। घनमूल का नहीं बनेगा बच्चे, घनमूल का 3 लिखने पर ही बनेगा। अगर सर आपने यहाँ 2 लिख दिया है तो सर यहाँ पर 2 लिखो, और चाहे सर 2 मत लिखो, ये दोनों बात एक ही है, ये दोनों बात एक ही, दोनों सिंबल एक जैसे हैं। सर आप 2 लिखो चाहे मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सिंगल दोनों सिंबल किसके हैं, आप कहोगे सर वर्गमूल के हैं। लेकिन पर सर अगर आपने यहाँ 3 लिख दिया तो सर ये किसका सिंबल बन जाएगा, घनमूल का। अब आप इस सिंबल के बारे में थोड़ा सा सीख लो भाई, इस सिंबल का मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है इस सिंबल का मतलब? वर्गमूल। और आप जानते हैं सर वर्गमूल का मतलब कितना होता है, घात
एक बटे दो कितना होता है घात, 1/2, यानी कि सर यहाँ पर एक छोटा सा 2 छिपा हुआ है, आप उसे लिखो चाहे मत लिखो वो अपने आप में मान लिया जाता है। मान लेते हैं आपने यहाँ पर ऐसे करा ऐसे करा ऐसे लिख दिया, और सर आपने यहाँ पर एक छोटा सा 3 लिख दिया, कितना लिख दिया छोटा सा 3, तो सिंबल बनेगा किसका, घनमूल का, किसका बनेगा घनमूल का, और इसका मतलब कितना बच्चे घात 1/3, कितना मतलब है इसका घात 1/3, बताइए कितना क्लियर हुआ आपको। यस सर। ठीक है, इसी तरीके से मान लो हमने यहाँ पर छोटा सा 5 लिख दिया, इसका नाम तो पता नहीं क्या होगा, इसका नाम तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन पर क्या आप घात बता सकते हो, उसकी घात कितनी होगी, सर 1/5। 1/5, वेरी गुड। इसकी घात कितनी हो जाएगी बच्चे, 1/5। मान लो आपने ऐसा सिंबल कहीं लिखा देखा, ये घन, ये वर्गमूल है सर, अगर कोई भी संख्या नहीं लिखी तो ये वर्गमूल है, और सर इसकी घात कितनी है, 1/2। सर अगर ऐसा निशान लगा करके सर यहाँ पर 9 लिख दिया जाए, इसका मतलब क्या है बताओ, आप कहोगे सर इसका मतलब है घात 1/9, क्या मतलब इसका, घात 1/9। क्लियर हुआ सभी को, यस चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए इतना तो आप लोग जान ही चुके हो, सिंबल के बारे में पढ़ लिया, देखिए अब हम थोड़ा सा किसके बारे में सीख लेते हैं, थोड़ा सा सीख लेते हैं घनमूल के बारे में, घनमूल क्या होता है। देखिए किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। आपको सर क्या मतलब है, मान लेते हैं आपने कहा सर 5 का क्यूब कितना होगा, 5 का घन कितना होगा, आपने कहा सर 125, तो घनमूल वही संख्या बताइए। देखो किसी संख्या का घनमूल, मान लो हमारे पास में एक संख्या 125 है, तो इसका जो घनमूल होगा वो कितना होगा, आप कहोगे सर इसका घनमूल 5 होगा, क्यों, क्योंकि सर ये 5 के क्यूब से मिलकर बनी होती है। क्लियर है सभी को, बताइए क्लियर हुआ सभी को। यस ठीक है, जैसे कि यहाँ 64 का एग्जाम्पल दे रखा है, भाई 64 को आप क्या लिख सकते हो, आपने कहा सर 4 का क्यूब 64 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, तो अगर आपसे पूछे कोई कि बताइए 64 का घनमूल कितना होगा, आप कहोगे सर कितना होगा, 4 होगा, बताइए क्लियर हुआ। ठीक सर। है, अगर इतना क्लियर है बच्चे तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए आपको इस चिन्ह का प्रयोग करना होता है, ये वाला चिन्ह लगाओ और यहाँ पे छोटा सा 3 लिख दो, क्लियर। यस सर। ठीक है, बस हमें एक चीज और आपको बतानी है भाई, घनमूल भी हम अभाज्य गुणनखंड से ही निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके ही हम लोग क्या निकालेंगे बच्चे, घनमूल निकालेंगे। जैसे कि आपसे पूछा जाए बताइए 125 का घनमूल कितना होगा, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, आपने 125 के अभाज्य गुणनखंड किए, भाई 2 से काटा, आपने कहा सर 2 से तो कटेगा ही नहीं, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि सर इस संख्या के लास्ट में 5 है, 5 से काटा, आपने कहा सर 25 आ गया, 5 से काटा सर 5 आ गया, 5 से काटा 1 आ गया, आपने कहा सर घनमूल 25 का मान कितना होगा, आपने कहा सर घनमूल 125 का मान होगा सर 5 × 5 × 5, और यहाँ सर छोटा सा 3 लिखा हुआ है, सर यहाँ छोटे से 3 की वजह से ही आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, 3 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। सोचिए ये 3 का पेयर बन गया और इस पेयर में से कितना आ गया, 5 बाहर आया, तो आपके घनमूल 125 का मान कितना आ गया बच्चे, 5 आ गया, यानी कि आपको 3 3 के जोड़े बनाने हैं, कितने के जोड़े बनाने हैं, 3 3 के। जैसे कि आपसे पूछा जाए घनमूल 1000 का मान बताओ कितना होगा, घनमूल 1000 का मान बताओ कितना होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपने कहा सर मैं तो 1000 के क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड करूंगा, सर ये तो 2 से कट गया, सर 500 आ गया, सर ये 2 से कट गया, सर ये 250 आ गया, सर ये 2 से कट गया, सर ये 125 आ गया, सर ये 5 से कट गया 25 आ गया, सर ये 5 से कट गया 5 आ गया, सर 5 से कट गया तो 1 आ गया, यानी कि आप कहोगे सर घनमूल 1000 को मैं कितना लिख सकता हूँ, आपने कहा सर घनमूल 1000 को मैं लिख सकता हूँ 3 बार, तो 2 1 2 3, और सर 3 बार मेरा 5 1 2 3, आप जानते हैं घनमूल में आपको कितने कितने के जोड़े बनाने, 3 3 के, भाई एक जोड़ा तो ये बन गया, आपने कहा सर इसमें से 2 बाहर आ गया, गुणा सर एक जोड़ा ये बन गया और इसमें से 5 बाहर आ गया, और आपने कहा सर ये कितना हो गया, 10, कितना हो गया 10, यानी कि आप कह सकते हो ये सर घनमूल 1000 का मान कितना हो गया, 10 हो गया, कहता क्लियर है आप सभी को, बताइए।
यस सर किसी बच्चे को कोई डाउट? कोई डाउट है किसी बच्चे को बताइए। ठीक नो सर है, तो बच्चे ये आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी, क्योंकि सारी चीजें वरना तो मिक्सअप हो जाएगी। बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।